आज हम बनाने वाले हैं आलू कोफ्तों की रेसिपी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तेल गरम करने के लिए हमने सबसे पहले रख दिया है, हमने ये 100 ग्राम ऑयल लिया है। हमने एक बड़ी प्याज को कट करा है, इसमें हमने थोड़ी सी मोटी प्याज काटी है, इसको हम पीसेंगे और थोड़ी सी हमने बारीक करी है, इसको हम भगार में डालेंगे। कुछ हमने एक खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें हमने एक तेजपत्ता का पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 हमने लौंगे लिए हैं, आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, 12 से 15 हमने काली मिर्च ली है, एक हरी इलायची ली है और थोड़ी सी जावित्री ली है। कोफ्ते का मसाला भूनने के लिए हमें कुछ मसाले चाहिए, वो हम निकाल लेते हैं। 3 चम्मच के करीब हम धनिया पाउडर लेंगे, 3 चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची डाली है, छोटा आधा चम्मच हमारा हल्दी का है, 1 चम्मच हमारा नमक है और छोटा आधा चम्मच हमारा पिसा हुआ गरम मसाला है। इन सारे मसालों को हम मिक्सी में डालेंगे। मसालों को हमने मिक्सी में डाल लिया है, इसमें हम 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे हम मिक्सी में ही डालेंगे। और जो हमने मोटी मोटी प्याज काटी थी उसको भी हम मिक्सी में डाल लेंगे। इन सारे मसालों को हम पीस लेंगे। हमने मसालों को मिक्सी में पीस लिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम चलिए भगार करते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, हमने जो खड़े मसाले निकाले थे वो हम इसमें डालेंगे। और जो प्याज हमने बारीक काटी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज को भूरा होने देंगे, फिर हम अपने मसाले डालेंगे इसके अंदर जो हमने मिक्सी में पीसे थे। भगार हमारा लाल हो गया है और हम इसमें मसाले डालेंगे। मिक्सी में पानी डाल के थोड़ा सा खंगाल के हम इसको भी इसमें ही डाल देंगे। हमने आधा गिलास के करीब पानी डाला है और हम इसमें थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, इससे हमारा कलर अच्छा आएगा। जब तक हमारा मसाला भून रहा है तब तक हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्तों के लिए हमने 400 ग्राम कीमा लिया है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और हमने इसको छन्नी में छान के बिल्कुल पानी इसका निकाल दिया है। कीमे में डालने के लिए हमने ये 2 चम्मच चने लिए हैं भुने हुए, 1/2 चम्मच से ज़्यादा थोड़ी सी सौंफ ली है हमने, 6-7 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं और थोड़ा सा ही हमने खसखस ली है। ये इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमें इन सारी चीज़ों को बिना पानी के ही पीसना है, पानी इसमें हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। चने और सौंफ वगैरह को हमने खसखस को पीस लिया है, इसको अब हम कीमे में मिलाएंगे। 1/2 चम्मच हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर, छोटा 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। 3 हरी मिर्चों को हमने बारीक काट लिया है, थोड़ा हमने हरा धनिया डाला है, काट लिया है इसको भी हम इसमें डालेंगे। हरी मिर्चों को हमने इसमें डाल लिया है, हरा धनिया को भी हम इसमें डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया हम बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए सालन पर। और इसको अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे सब चीज़ों को। कीमा हमारा अच्छे से मिल गया है, अब हम इसमें कोफ्ते बनाएंगे। हमने इस तरीके से कोफ्ते को तैयार कर लिया है, आप इसको शेप अपने आप भी दे सकते हैं, चाहे छोटा कर लीजिए चाहे बड़ा कर लीजिए। हमने अपने कोफ्ते को इस तरीके से बनाया है, अब हम सारे कोफ्ते इसी तरीके से बनाएंगे। कोफ्ते में मटन के कीमे से बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े के मीट से भी बना सकते हैं। कोफ्ते हमारे सारे तैयार हो चुके हैं, मसाले को देखते हैं भुना है या नहीं। मसाला भी हमारा भुनाई पे आ गया है, अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। सारे कोफ्ते हमने मसाले में डाल दिए हैं, अब हम इसमें दही डालेंगे। हमने 100 ग्राम दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लेना है। दही को अब हम कोफ्ते में डालेंगे।
दही डालने के बाद हम इसको चलाएंगे नहीं, सिर्फ कुकर को हल्का सा हिला देंगे। और कुकर को ढक देंगे, 5 मिनट के लिए हम कुकर को ढक देंगे। 5 मिनट हमारे हो गए हैं, हम ढक्कन को हटा देंगे। हम इसको मीडियम आंच पर भूनेंगे जब तक हमारा तेल ऊपर ना आ जाए। और इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसको कवरी से चला सकते हैं। मसाला हमारा भुनने पे आ रहा है, तेल अलग होता जा रहा है। 5 मिनट के लिए और हम इसको भून लेंगे ताकि अच्छे से तेल आ जाए। जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है, तब तक हम आलू को काट लेते हैं। मैंने ये 3 आलू लिए हैं, इनको मैं काट लूँगी। आलूओं को काट कर मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोफ्ते हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम पानी डालेंगे इसमें। मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं इसमें पानी। आपको अगर गाढ़ा शुरू रखना है तो आप कम डालिएगा। हमारे यहाँ शुरुए वाला पसंद करते हैं, इसलिए हमने पानी ज़्यादा डाला है 1 गिलास, आप कम भी डाल सकते हैं। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर हमने बंद कर दिया है, अब हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसको डिश में कर लेते हैं। हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। हमने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। आलू कोफ्तों को हमने डिश में कर लिया है। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।